माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि देश में वर्ष 2001 में जो जनगणना हुई, उस जनगणना के माध्यम से आर्थिक कमजोर जो लोग हैं, उनको जिसको अपन बीपीएल की यादी बोलते हैं, जो 2005-2006 में बनी और उसके माध्यम से जो संविधान के अधिकार के आधार पर उनको मकान देने की भी बात उसमें रखी गई। उपाध्यक्ष महोदय, 2005-06 में जो यादी बनी, आज भी इंदिरा आवास के मकान वो गरीब लोगों के अभी तक बने नहीं हैं। अभी 2011 में पुनः जनगणना हुई और वो जनगणना के आधार पर जो भी अभी अपनी यादी बनने वाली है, उसमें बहुत से लोगों का नाम उसमें बीपीएल के माध्यम से निकलने वाला है। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से भंडारा गोंदिया से आता हूँ, मैंने उस दिन 4 दिन पहले मैं जब आड़ावा लिया, तब पता चला कि दोनों जिले में 1,25,000 लोगों का, जिन लोगों का बीपीएल में नाम है, उनका आज तक मकान मिले नहीं और आज भी वही स्थिति है। मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि देश में जितने भी 2001 में जो लोगों का बीपीएल के इसमें यादी में नाम था, वो सभी को इंदिरा आवास का मकान मिलना चाहिए। और मैं जिस क्षेत्र के आता हूँ, उस क्षेत्र में जो कोटा दिया गया उसमें वृद्धि की जाए, ये मांग यहाँ पर रखता हूँ।